ओम शांति। वीसीडी नंबर 3591, मॉर्निंग क्लास डेटेड 18/9/1968, क्लेरिफाइड ऑन 25/4/2021। The morning class dated 18/9/1968 was going on. On Wednesday, the topic we were discussing in the beginning of the middle part of the 8th page was Now you have to become capable of going to paradise and I have to teach you through this chariot. Then it is said that establishment takes place through Brahma. Of what? Heaven ki, paradise ki. Of heaven, of paradise. Tumko heaven ya paradise banane ke liye tumko aisa banana hai abhi. Now you have to become like this in order to establish heaven or paradise. थोड़ा टाइम है। As for the rest, there is little time. तुमको इस रथ द्वारा पढ़ाना है? I have to teach you through this chariot. ख्याल करो कि हम कितने पुराने हैं। So think, how old you are? नए जो रहेंगे वो इतना उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है नया नयों को जितनी तुमको मेहनत करनी पड़ती है। Those who are new don't have to make efforts to the extent you have to. क्यों? Why? पुराना तो old is gold कहा जाता है। For the old it is said, old is gold. Old is gold कहा जाता है। Though it is called old is gold. Gold सच्चाई को कहा जाता है ना। Truth is called gold, isn't it? सच्चाई को निकालने के लिए मंथन करना पड़ता है ना। You need to churn in order to extract truth, don't you? Brahma ke dwara jo padhai basic knowledge ki usme manthan to karna hota hai. The basic knowledge that was taught through Brahma, you do have to churn it. Padhai kiski hai? Gyan sagar ki. Whose knowledge is it? Of the ocean of knowledge. तो सागर का मंथन हुआ ना। So the ocean was churned, wasn't it? तो बताया मेहनत करनी पड़ती। So it was said you have to make efforts. क्यों? Why? क्योंकि मनन चिंतन मंथन करने से मेहनत करने से पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी निकलती है। इट इज बिकॉज बाय थिंकिंग एंड चर्निंग एंड मेकिंग एफर्ट्स वेरी गुड पॉइंट्स कीप इमर्जिंग। सागर मंथन की भी मेहनत होती है ना। द चर्निंग ऑफ द ओशन ऑल्सो रिक्वायर्स एफर्ट्स डजंट इट। करने के बाद अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं
थोड़े में ही समझाने से मनुष्य जमा जाए समझ जाते। सो द वेरी गुड पॉइंट्स दैट इमर्ज आफ्टर चर्निंग ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड देम क्विकली इवन विद अ लिटिल एक्सप्लेनेशन। तो एक दो रोज में ऐसे होती है सारा ही समझ जाती। देर आर सम हु अंडरस्टैंड एवरीथिंग विद इन वन और टू डेज। देखो वो आया था। लुक ही हैड कम। आया था ना, यहाँ दो भाई आया था। ही हैड कम हैडंट ही टू ब्रदर्स हैड कम हियर। देखो आंसू बहाता था। लुक ही यूज्ड टू शेड टीयर्स। उनका आंसू ओ हो। हिज टीयर्स ओ हो हो। हम इतना दिन भाई हमारा आता रहा और हम नहीं आते। माई ब्रदर कंटिन्यू टू कम हियर फॉर सो मेनी डेज एंड आई डिंट कम। दुखी होता है और भाई समझाता रहा। आई रिमेन सैड एंड माई ब्रदर केप्ट एक्सप्लेनिंग टू मी। हम समझाई नहीं कुछ। आई डिंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल। हर जगह भी सुना तो हो इतना टाइम हमारा चला गया। एंड व्हेन आई हर्ड नाउ ओ हो सो मच टाइम ऑफ माइन पास्ड अवे। आंसू आते हैं कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। सो टीयर्स कम आउट थिंकिंग आई वेस्टेड सो मच टाइम। जो जो भी पीछे मिलते जाएंगे फिर बाद में आती है ना। Those who meet in future come later, don't they? तो आंसू जरूर बहेंगे। अरे अरे हमने हमको कितना इन बच्चियों ने समझाया और हमने समझाई नहीं। They will certainly shed tears thinking, अरे दीज डॉटर्स एक्सप्लेन टू मी सो मच एंड आई डिंट अंडरस्टैंड एट ऑल। हमारा टाइम इतना वेस्ट हो गया। सो मच ऑफ माई टाइम वॉज वेस्टेड। हम चला गया। आई वेंट बैक। जो जो भी पीछे मिलते जाएंगे कि इतना दिन हमारा हो गया बर्बाद हो गया। Those who meet in future will certainly shed tears that so many days of theirs were wasted. अभी क्या होगा? What will happen now? अभी तो ये बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। Now you will have to make a big पुरुषार्थ। वो पुरुषार्थ। इट इज बिकॉज दैट पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? जो ज्यादा करना पड़ेगा। विच पुरुषार्थ विल यू हैव टू मेक मोर? याद का पुरुषार्थ। द पुरुषार्थ ऑफ रिमेम्बरेंस। याद की यात्रा का पुरुषार्थ बड़ा भारी है। द पुरुषार्थ ऑफ द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस इज वेरी डिफिकल्ट। देखो इतना बड़ा भारी पुरुषार्थ करने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। देन लुक दे हैव टू वर्क सो हार्ड टू मेक सच डिफिकल्ट पुरुषार्थ। उफ बहुत मेहनत करनी पड़े तो फिर बहुत मेहनत करनी लग पड़ती। ओह दे हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स सो दे स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। क्योंकि ये समझ में आता है कि मौत सामने है। इट इज बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट डेथ इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो
मेहनत भी बहुत करते हैं। सो दे ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। कैसे समझ में आता है कि मौत सामने? हाउ डू दे कम टू नो दैट डेथ इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम? अरे ये समझ में कैसे आता है कि मौत सामने? अरे हाउ डू दे कम टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम? ये पता नहीं। टू द स्टूडेंट्स यू डोंट नो दिस इटसेल्फ। बाबा ने तो एक बच्चे का मिसाल दिया, यहाँ कोई को पता नहीं। बाबा गेव द एग्जाम्पल ऑफ वन चाइल्ड, नो वन नोज इट हियर। अरे सबने सुना है ना, सब जानते हैं ना एटम बम बनने पड़े हैं। अरे एवरीवन हैज हर्ड इट, हैवंट दे? एवरीवन नोज दैट एटम बम्स हैव बीन मेड, डोंट दे? ये काहे के लिए बने हैं? फॉर व्हाट हैव दे बीन मेड? जब 1914 से लेकर के 1945 के बीच इतने थोड़े वर्षों में दो विश्व युद्ध हो सकते हैं, तो क्या इतने लंबे टाइम में तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता? When two world wars can take place within a few years between 1914 to 1945, can't the third world war take place in such a long duration of time? और पहले जब दो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब तो 20-20 मेगावाट की छोटी छोटी बम्बियां बनी थी। And when the second world war took place earlier, very small bombs of 20 megawatts each were made. और अभी तो? And what about now? अभी तो हजारों हजार वाट के बम बने पड़े हैं। Now bombs of thousands of watts have been prepared. तो सुनते हैं कि मौत सामने खड़ा है। They hear that death is standing in front of them. And they do, don't they? भक्ति मार्ग में बहुत भगत होते हैं। Just as there are many devotees in the path of bhakti. वो भगत भी तो जन्म जन्मांतर कितनी मेहनत करते हैं ना? Those devotees also make so many efforts birth after birth, don't they? अरे मेहनत करने के लिए कोठरी में बंद हो जाते। अरे in order to make efforts, they enclose themselves in a small room. बहुत भगत हैं, एकदम बहुत भक्ति करते। There are many devotees, they do a lot of bhakti. और ऐसे बहुत भक्ति करने वाले कौड़ी से हीरा बन जाते। And such ones who do a lot of bhakti become like diamond from a kauri. सुदामा का मिसाल देखो। Look, there is the example of Sudama. सुदामा का मुट्ठी देने से उनको महल मिल जाती। सुदामा गेट्स अ पैलेस बाय गिविंग अ हैंडफुल ऑफ राइस। उनका ये नहीं हो सकेगा जो बाद में आते, इतने धनवान, ये ज्ञान रत्नों के धनवान। दोज हु कम लेटर कांट बिकम सो वेल्दी wealthy with respect to the unlimited gems of knowledge. तो बाबा कहते हैं तो जो दुनिया भी धनवान होते हैं स्थूल धन के है, वो तो गरीब आकर के बनेंगे। So Baba says the worldly wealthy people with physical wealth will come here and become poor. अरे उनका पैसा तो कोई काम में नहीं देंगे। अरे देयर मनी वोंट कम इन एनी यूज। क्यों? व्हाई? वो तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। दे थिंक दैट दे आर सिटिंग इन हेवन। वो ये जब देरी होती है, व्हेन दे बिकम लेट, स्वर्ग में बैठने वाले जो अपन को समझते हैं उनको देरी होती है,
अरे हमको तो ढेर हो गई, तब बहुत डरती। When those who think they are sitting in heaven become late, they say, "Arey, we are late." Then they are afraid. Then they are afraid a lot. कब? When? जब एटमिक बम शहरों पर छूटना शुरू हो जाए। When atomic bombs start to explode on the cities. ओहो, अरे अभी तो हम भी जाते हैं। ओहो, अरे, now we are also gone. क्या सोचते हैं? What do they think? अरे तो अब तो हमारा भी नंबर लगेगा। अरे, now our turn will also come. और यहाँ इस दुनिया में स्वर्ग कहाँ है? Now, where is heaven here in this world? स्वर्ग तो स्थापना होती है। स्थापना Heaven is established. अरे हम तो मुफ्त में अपन को खुश करते थे कि हम बड़े धनवान हैं। अरे, I used to please myself for nothing that I am very wealthy. इसलिए हम यहाँ बहुत सुखी हैं। This is why I am very happy here. हमको यही स्वर्ग है। There is heaven for me here itself. बहुत खुश होते थे ये सब देख करके। बैलगाड़ियां, अटारियां, कारखाने, I used to become very happy looking at all these palaces, multi-storied buildings and factories. तो देखो देर हो जाएगी ना। So look, it will be late, won't it? देर हो जाती उनके लिए। It becomes late for them. अभी बाप समझाते हैं, जो साहूकार हैं वो आकर के गरीब बनेंगे। Now the father explains, those who are rich will come and become poor. और फिर जो गरीब हैं वो सीतामा के मिसल जो मुट्ठी चावल भी देते हैं। And those who are poor, who is also give a handful of rice like Sudama, क्यों उनके पास है ही मुट्ठी चावल? it is because they only have a handful of rice. तो उनको महल मिल जाएगा। They will get a palace. कौन सा महल मिल जाएगा? Which palace will they get? अरे संगठन रूपी महल मिल जाएगा। अरे, they will get a palace like gathering. ऐसा संगठन रूपी महल मिल जाएगा जो दुनिया में किसी को न मिला हो। They will get such a palace like gathering. Which no one in the world would have received. इतना बड़ा संगठन रूपी महल, इतना बड़ा। They will get such a big palace like gathering. How big? कितना बड़ा संगठन रूपी महल सुदामा को मिल गया। How big palace like gathering did Sudama get? नाम रखा हुआ है काम के आधार पर सुदामा। गाड़ी चल रही। The name Sudama is given according to the task performed. Student comments, 450,000. वो सबसे बड़ा संगठन। Is that the biggest gathering? हाँ 750 करोड़। Student replies, yes, 7.5 billion. जो भी दुनिया की आबादी है मनुष्य मात्र की, सारा मनुष्य मात्र का संगठन उनके कंट्रोल में आ जाएगा या नहीं? Whatever is the population of the human world, will the entire gathering of the human beings come under his control or not? किसे के कंट्रोल में? सुदामा के कंट्रोल। Under whose control? Sudama. दाम कहते हैं धन संपत्ति को। Wealth and property is called dam. सुमाने सुंदर धन संपत्ति। Su means
ब्यूटीफुल वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। अरे स्थूल दुनिया की धन संपत्ति सुंदर थोड़ी ही है। अरे सर्टनली द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड इज एंड ब्यूटीफुल। ये तो बेहद का बाप आकर के जो ज्ञान रत्नों की संपत्ति लेते हैं और लेने वाले का नाम पड़ा सुदाम। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द जेम्स ऑफ नॉलेज विच द अनलिमिटेड फादर कम्स एंड गिव्स एंड द वन हु टेक्स इट इज नेम्ड सुदामा। सुंदर दाम धन संपत्ति। ब्यूटीफुल दाम दैट इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। अब यहाँ तो देखो बहुत गरीब है। नाउ लुक देर आर मेनी पुअर वंस हियर। बिचारियां बांधेलियां बस कहती हैं अब तो हमको बस कुछ भी नहीं हमारे पास शिव बाबा को याद करना और देवी गुण धारण करना। द पुअर मदर्स द बांधेलीज जस्ट से आई डोंट हैव एनीथिंग नाउ I just want to remember Shiv Baba and assimilate the divine virtues. है? पिटना सिटना अब हमको नहीं है। Now I don't want to be beaten and so on by others. हमको यहाँ आया है सेठियानी नहीं बनना। I don't want to become a sethyani, that is, wife of a merchant, staying here. क्या करेगी? What will she do? सेठ के घर में रह करके सेठियानी नहीं बनेगी तो क्या करेगी? If she doesn't become a sethyani, staying in the house of a merchant, what will she do? अरे जा करके कहीं क्या कहीं भी बर्तन मलेगी? अरे she will go anywhere and do the dishes. पेट पूजा होगी कि नहीं होगी? Will she manage a livelihood or not? Yes. हमको सेठियानी नहीं बनना है। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ सेठियानी। तो देखो क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। सो लुक यू शुडंट हैव द गोस्ट ऑफ एंगर। किसके ऊपर? यस फॉर हुम? पति के ऊपर भी क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। क्यों? यू शुडंट हैव द गोस्ट ऑफ एंगर इवन फॉर योर हस्बैंड। Why? इतना तंग करता है मारता है, है? तो क्रोध नहीं आएगा? He beats me so much, he troubles me so much, then won't I become angry? क्योंकि बुद्धि में बैठ गया ना मैं आत्मा हूँ आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। It is because it has sat in the intellect that I am a soul. My soul has had many births. It has the account of many births. हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया है जिससे ये इस जन्म में हमारा पति बना? I have done something in my previous births because of which he has become my husband in this birth. दुर्योधन दुशासन बना है पुरुष रूप में? He has become Duryodhan Dushasan in the form of a man. तो बुद्धि में ज्ञान तो बैठ गया ना? So the knowledge has certainly sat in your intellect, hasn't it? Yes. तो क्रोध का भूत नहीं आना चाहिए। सो द गोस्ट ऑफ एंगर शुडंट एंटर यू। तुम्हारे अंदर है बांधेलियों के अंदर भी क्रोध का भूत तो आता है ना? द गोस्ट ऑफ एंगर डज एंटर यू द बांधेलीज एज वेल डजंट इट? इट डज। अब यहाँ तुम कचहरी करती तो हो ना? नाउ यू सर्टनली होल्ड अ कोर्ट हियर डोंट यू? कचहरी तो बने 200, 250, 300 भी जब इस सीजन में आते हैं कचहरी जरूर करनी चाहिए। ऑल्दो 200, 250 or 300 पीपल कम इन द कोर्ट ड्यूरिंग द सीजन यू शुड सर्टेनली होल्ड अ कोर्ट। इस कचहरी में बेचारे सब समझेंगे भाई यहाँ तो कचहरी होनी है। ऑल द पुअर वंस विल सर्टेनली अंडरस्टैंड इन दिस कोर्ट ब्रदर कोर्ट हैज टू बी हेल्ड हियर। कचहरी में सब के सामने अपना पोता मिल सारा सारा बता खुले दिल से। यू हैव टू रिवील ऑल योर पोता मिल
ओपन हार्टेडली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन द कोर्ट। नहीं तो सेंटर में सभा में कचहरी होनी चाहिए। अदरवाइज अ कोर्ट शुड बी हेल्ड इन ऑल द सेंटर्स। सिर्फ यहाँ बाबा के सामने की बात नहीं है। इट इजंट अबाउट होल्डिंग इट जस्ट इन फ्रंट ऑफ बाबा हियर। तो सब सेंटरों में कचहरी होगी तो अपनी भूलें देखेंगे। When court will be held in all the centers, they will check their mistakes. क्योंकि कचहरी का रजिस्टर होता है। It is because there is a register of a court. तो ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से समझा जा सकता है। So it can be understood absolutely well. अच्छा भाई, वहाँ बहुत काम करते हैं दिल्ली में। अच्छा ब्रदर, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क देयर इन दिल्ली। क्यों? व्हाई? दिल्ली में ही अब ज्यादा काम क्यों करते हैं? व्हाई डू दे डू अ लॉट ऑफ वर्क ओनली इन दिल्ली? बाबा ने कहा दिल्ली में बहुत सेवा करनी है। बाबा हैज सेड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सर्विस इन दिल्ली। सबसे जास्ती सेवा तो दिल्ली में करनी है। क्यों? यू हैव टू डू द मैक्सिमम सर्विस इन दिल्ली। व्हाई? क्योंकि बताया दिल्ली का सुधार तो सारी दुनिया का सुधार। दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। सारा मदार दिल्ली के ऊपर है। इट इज बिकॉज इट इज सेड द रिफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली मीन्स द रिफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर भारत। Everything depends on Delhi. दिल्ली में बाबा आए किस लिए? And why has Baba come in Delhi? राजधानी स्थापन कराने के लिए आए हैं ना? He has come to have the capital established, hasn't he? तो बहुत काम करना है दिल्ली। So you have to do a lot of work in Delhi. भाई कौन काम करेगा दिल्ली में? ब्रदर हु विल वर्क इन दिल्ली? उसका नाम क्या दिया होगा? व्हाट वुड ही हैव बीन नेम्ड? जगदीश, जगत का ईश। जगदीश द ईश रूलर ऑफ द वर्ल्ड। जगत में कितने होते हैं? हाउ मेनी आर देयर इन द वर्ल्ड? 500-700 करोड़ जगत में होती है। There are 5-7 billion souls in the world. तो जगदीश है। So there is जगदीश। मोहिनी है। There is मोहिनी। मोहिनी माने सबके दिल को मोहने वाली। मोहिनी means the one who captivates everyone's heart. गुलजार है। There is गुलजार। इस दुनिया में क्या कर देती है? गुले गुलजार कर देती है। What does she do in this world? She creates a garden of flowers. कला नहीं है। There is so and so. तो देखो इनको कितनी कितनी उनको ना रहती है। So look, they have so much thought. बाबा हम सेवा करें। बाबा आई विल डू सर्विस। ये म्यूजियम की सेवा करें, देख रेख करें। और म्यूजियम में वहां उनको मुरली सुनावे, समझावे अच्छी तरह से। आई विल डू द सर्विस ऑफ द म्यूजियम। आई विल लुक आफ्टर इट एंड विल नरेट देम द मुरली देयर इन द म्यूजियम। आई विल एक्सप्लेन टू देम प्रॉपरली। क्या क्या सेवा करती है? लुक व्हाट ऑल सर्विस दे डू। वो बच्चियां बिजी रहती है ना दिल्ली में सेवा करने के लिए। दोज डॉटर्स रिमेन बिजी इन सर्विस इन दिल्ली, डोंट दे? कौन कौन बच्चियों के नाम बताए? व्हाट द नेम्स ऑफ विच ऑल डॉटर्स वर मेंशनड? जगदीश है, मोहिनी है, गुलजार है, और भी फलानी फलानी नाम नहीं बताए।
देर इज जगदीश, देर इज मोहिनी, देर इज गुलजार, देर आर मेनी मोर दिस एंड दैट, देयर नेम्स वरंट मेंशनड। तो देखो देखो, कोई तो बहुत बिजी रहती है। सो लुक लुक, सम रिमेन वेरी बिजी देयर। कोई तो ऐसी बच्चियां भी हैं जो जा बस बेचारी दिल्ली में बाबा ने भेजा सेवा करने के लिए और वहां जाके सोती रहती। देयर आर ऑल्सो सच डॉटर्स, द पुअर वंस, हुम बाबा सेंट टू दिल्ली टू डू सर्विस एंड दे गो देयर एंड कीप स्लीपिंग। खाती पीती रहती। दे कीप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो कहा जाता है क्या? सो इट इज सेड। व्हाट? सोने वालों के लिए कुछ बोला फिकर है बाबा? डिड बाबा से एनी सेंटेंस फॉर दोज हु स्लीप? जिन सोया तिन खोया। द वन हु स्लेप्ट लॉस्ट। क्या? व्हाट? और जिन सोया तिन खोया तिन रोया। द वन हु स्लेप्ट लॉस्ट एंड देन क्राइड। कोई चीज खो जाती है ना, बहुमूल्य चीज, तो फिर रोते है ना, हाय हमारी चीज चली गई। व्हेन समथिंग इज लॉस्ट, समथिंग प्रेशियस इज लॉस्ट, यू क्राई डोंट यू? ओ माय थिंग इज लॉस्ट। अब बच्चे समझ गए। नाउ द चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड। क्या समझ गए? व्हाट हैव दे अंडरस्टूड? कि बड़ी 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 भारी बादशाही स्थापन हो गई। अ वेरी 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 ग्रेट एम्परशिप इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। और हमने अज्ञान की नींद में सो करके वो भारी बादशाही गवाई। एंड वी लॉस्ट दैट ग्रेट एम्परशिप बाय स्लीपिंग इन द स्लीप ऑफ इग्नोरेंस। व्हाट? सो भी सिर्फ वो बादशाही नहीं, दैट टू, नॉट ओनली दैट एम्परशिप। कौन सी? विच वन? बादशाही तो इस्लाम वंशियों में भी होती है, बौद्ध वंशियों में भी हुई, क्रिश्चियन वंशियों में भी। देयर इज एम्पररशिप ऑफ द पीपल ऑफ द इस्लाम डायनेस्टी, दोज ऑफ द बुद्धिस्ट डायनेस्टी एंड दोज ऑफ द क्रिश्चियन डायनेस्टी टू। उनके सहयोगी धर्म पिताओं के भी बादशाही हुई कि नहीं उनके राज्य में? हुई। वॉज देयर द एम्पररशिप इन द किंगडम ऑफ देयर सपोर्टिंग रिलीजियस फादर्स एज वेल और नॉट? यस देयर वॉज। तो सिर्फ वो बादशाहियां नहीं। सो देयर आरंट ओनली दोज एम्पररशिप्स। सूर्यवंशी भी तो बादशाही होती है। देयर इज द एम्पररशिप ऑफ द सन डायनेस्टी टू। और फिर चंद्रवंशी भी तो होती है। एंड देयर इज द चंद्रवंशी एम्पररशिप एज वेल। कहां? वेयर? नरक में कि स्वर्ग में? इज इट इन हेल और इन हेवन? स्वर्ग की बादशाही। The emperorship of heaven. हाँ, तुम बताया? अगर हमने मेहनत नहीं की तो फिर वो बादशाही कहाँ से आएगी? So it was said, if you don't make efforts, from where will you attain that emperorship? आएगी? Will you attain it? चंद्रवंशी। The चंद्रवंशी emperorship. ये चंद्रवंशी बादशाही किसने स्थापन की? Who established this चंद्रवंशी एम्पररशिप? अरे चंद्रमा को कोई ने तो जन्म दिया होगा, किसने? अरे someone would certainly have given birth to the moon. Who? चंद्रमा को जन्म देने वाला सूर्य। Sun gives birth to the moon. चंद्रमा को रोशनी काहे से मिलती है? Where does the moon get light from? चंद्रमा को सारी रोशनी ज्ञान की सूर्य से मिलती। Moon gets the entire light of knowledge from the sun. देखो, कोई त्रेता में थोड़ी स्थापन करना है चंद्रवंशी राजधानी। Look, the चंद्रवंशी राजधानी doesn't have to be established in the silver age. कहाँ स्थापन करनी? Where do you have to establish it?
चाहे कोई भी वंश की राजधानी हो दुनिया की, सभी वंशों की राजधानी तो शूटिंग पीरियड में कलयुग के अंत और सतयुग के अंत का जो टाइम है पुरुषोत्तम संगम युग उसमें स्थापन होती है ना। नो मैटर इट इज द राजधानी ऑफ विच डायनेस्टी ऑफ द वर्ल्ड, द राजधानी ऑफ ऑल द डायनेस्टीज इज सर्टनली एस्टैब्लिश्ड इन द शूटिंग पीरियड द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज, दैट इज द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द आयरन एज एंड द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज, इजंट इट? यस। सूर्यवंशी राजधानी भी स्थापन होती है, चंद्रवंशी भी स्थापन होती है। द सूर्यवंशी राजधानी इज एस्टैब्लिश्ड एज वेल एज द चंद्रवंशी राजधानी इज एस्टैब्लिश्ड। सब धर्मों की राजधानी तो स्थापन यही होती है। द राजधानी ऑफ ऑल द रिलीजन्स इज सर्टनली एस्टैब्लिश्ड हियर। सब धर्मों के धर्म पिता हैं, जो भी ज्ञान लेंगे कहाँ लेंगे? वॉट एवर नॉलेज द रिलीजियस फादर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स टेक, वेयर विल दे टेक इट? चार युगों में लेंगे, ब्राह्मण में नहीं, कहाँ लेंगे? विल दे टेक इट इन द फोर एजेस इन द ब्रॉड ड्रामा? नो, वेयर विल दे टेक इट? पुरुषोत्तम संगम युग में ही अपने अपने जो धर्म संप्रदाय है उसमें पुरुषों में उत्तम आत्मा बनेंगे ना, बनेंगे। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस, दे विल बिकम द एलिवेटेड सोल्स अमंग द सोल्स इन देयर ओन रिलीजियस कम्युनिटी इन द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज इटसेल्फ, वोंट दे? दे विल। तो देखो अभी नींद में सोना नहीं है। सो लुक नाउ यू शुडंट स्लीप। अभी तो सीख गए ना बच्चे। नाउ यू हैव लर्नड दिस, हैवंट यू चिल्ड्रन? याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। इफ यू रिमेम्बर मी योर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि मुझे पति तो पावन कहते हैं। इट इज बिकॉज यू कॉल मी द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर वंस। कहते हो ना? यू डू, डोंट यू? और अभी तो गंगा को भी कभी पति तो पावन ही नहीं कह सकते। नाउ द गैंजेस कैन नेवर बी कॉल्ड द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर वंस। क्यों? Why? क्योंकि वो तो पानी की गंगा है ना। इट इज बिकॉज दैट इज द गैंजेस ऑफ वॉटर, इजंट इट? पानी का मंथन करने से कोई मक्खन थोड़ा ही निकलेगा। बटर सर्टनली वोंट कम आउट बाय चर्निंग वॉटर। और मैं तो क्या हूँ? एंड वॉट एम आई? ज्ञान का सागर, ज्ञान को तो दुग्ध कहा जाता है ना। आई एम द ओशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज कॉल्ड मिल्क, इजंट इट? ज्ञान का दूध भी होता है। देयर इज द मिल्क ऑफ नॉलेज टू। तो मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। सो व्हेन यू चर्न बटर विल कम आउट, सार निकलेगा। द एसेंस विल इमर्ज। सार को फिर अमृत कहा जाता है। द एसेंस इज कॉल्ड द नेक्टर। तो अभी तो समझ गए है कि गंगा को पतित पावनी क्यों नहीं कहेंगे। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई द गैंजेस वोंट बी कॉल्ड द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर वंस। क्योंकि गंगा क्या करेगी? इट इज बिकॉज व्हाट विल द गैंजेस डू? अरे ये गंगा, ये जमुना, ये कितने कितने नाम रख दिए। अरे दिस गैंजेस, दिस यमुना, दे हैव गिवन सो मेनी नेम्स। तालाब है, कुएं हैं, कैनाल हैं, वगैरह वगैरह। देर आर पॉन्ड्स, वेल्स, कैनल्स एंड सो ऑन। अरे ये तो ढेर के ढेर हैं। अरे दे आर न्यूमरस इन नंबर। ढेरों से ज्ञान आता है क्या? डज नॉलेज कम फ्रॉम मेनी? ज्ञान माने जानकारी, काहे की जानकारी? नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? झूठ की जानकारी? नहीं। द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉल्सिटी? नो। सच्चाई की जानकारी? द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रूथ। तो वो सच्चाई की जानकारी देने वाला तो एक सत्य बाप है ना।
So, it is the one true father who gives the information of truth, isn't it? उसी का सत्संग कहा जाएगा ना? His company alone will be called satsang, won't it? कि ढेरों मनुष्य गुरुओं का सत्य का संग कहा जाएगा सत्संग? Or will the company of many human gurus be called the company of truth, satsang? तो मैं तो एक हूँ ना? So, I am certainly one, am I not? मैं तो एक ही आकर के सच्चा ज्ञान दे करके सर्व की सदगति करता हूँ। I alone come, give the true knowledge and bring about the सदगति of everyone। देखो कितना मीठा बाबा है। Look how sweet बाबा is। बाबा की वाणी मीठी है या कड़वी है? What? Is Baba's vani sweet or bitter? मीठी है। It is sweet. भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? What do they show in the path of bhakti? भगवान ने मीठी टांग सुनाई। कौन सी मीठी टांग? God made you hear the sweet tune. Which sweet tune? मुरली की मीठी टांग सुनाई। He made you hear the sweet tune of the murli. भी वाद्य यंत्र होते हैं उनमें सबसे मीठी तान कौन से वाद्य यंत्र की होती है? Which musical instrument has the sweetest tune among all the musical instruments? मुरली की होती है, लेकिन उन्होंने वो मुरली भी काट की दिखाई दी। The murli, meaning flute, but they have shown the wooden murli. क्यों? Why? क्योंकि भगवान बाप आते हैं तो कठबुद्धि में प्रवेश करते हैं। It is because when God the Father comes, he enters the one with a wood like intellect. कौन कठबुद्धि? Who is the one with a wood like intellect? ब्रह्मा बाबू। ब्रह्मा बाबा। तो बच्चा बुद्धि है ना? Yes, he is the one with a child like intellect, isn't he? तो भक्ति मार्ग में नाम दे दिया काठ की मुरली। Yes, so they have called it the wooden murli in the path of bhakti. अब तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाबा कितना मीठा है। Now you children have come to know how sweet Baba is. मीठा है ना? He is sweet, isn't he? ऐसी मीठी चीज को तो बहुत याद करना चाहिए। So you should remember such sweet thing a lot. कड़वा अच्छा लगता है कि तीखा अच्छा लगता है कि खट्टा अच्छा लगता है कि मीठा अच्छा लगता है? Do you like something bitter, something spicy, something sour or something sweet? मीठा अच्छा लगता है तो बहुत याद करना चाहिए। You certainly like something sweet. So you should remember him a lot. Om. Om Shanti.